रामनगर नैनीताल के देश विदेश में प्रसिद्ध गढ़िया माता मंदिर के परिसर में मौजूद प्रसाद की दुकानों में आग लग गई। जी हां, शुरुआती जांच में मंदिर के टीले से जलती हुई धूप बत्ती के गिरने से आग लगी है। आग में 35 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानें जलकर राख हो गई, तो वहीं इससे दुकानदारों को 20 से 22 लाख का नुकसान हुआ है। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले दुकानदारों ने लाखों रुपए का सामान रखा हुआ था। आपको बता दें, सोमवार को दोपहर 1:30 बजे के आसपास मंदिर के टीले से जलती हुई धूप बत्ती झोपड़ी नुमा दुकान की छप्पर पर बंधी चुनरी में गिर गई। तेज हवा के चलने से चुनरी में आग सुलग गई और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते करीब 100 दुकानों में से 35 से अधिक झोपड़ी नुमा दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदारों को करीब 20 से 22 लाख का नुकसान हो गया है। मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में दुकानदारों ने अपनी दुकान में नारियल, चुनरी, प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों सहित पेयजल के उत्पाद रखे थे। वहीं दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही स्थानीय दुकानदारों ने आग को बुझा लिया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने एक दो दुकानों में जल रही आग को बुझाया। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।